डायरेक्टर इंद्र कुमार ने मई एंड में ट्वीट कर फिल्म हेरा फेरी का थर्ड पार्ट बनाने की घोषणा की थी, जिसमें फिल्म के पुराने स्टारकास्ट को फाइनल किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के पॉपुलर कैरेक्टर बाबू भैया यानी कि एक्टर परेश रावल ने जो कहा है, उसे लगता है कि डायरेक्टर इंद्र कुमार ने फिल्म अनाउंस करने से पहले परेश रावल से कंफर्मेशन नहीं लिया था। मीडिया इंटरेक्शन के दौरान परेश ने हेरा फेरी 3 में उनके रोल के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि मैं इस बारे में पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। हालांकि परेश ने ये भी कहा कि एक शानदार फिल्म थी और इसका सीक्वल बनना ही चाहिए। परेश ने ऐसा कहकर मेकर्स के लिए जहां अनइजी सिचुएशन क्रिएट कर दिया, तो वहीं राइटर्स को भी चैलेंज दे डाला। उन्होंने कहा कि सीक्वल में कैरेक्टर में ग्रोथ करनी पड़ेगी, वरना उसी तरह का घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा। उन्होंने लगे रहूं मुन्ना भाई का एग्जांपल देते हुए कहा कि इस फिल्म का सीक्वल कितना अच्छा था, अगर किसी में दम है तो ऐसा सीक्वल बनाओ। अब परेश रावल के इस बयान के बाद डायरेक्टर इंद्र कुमार कैसे उन्हें अप्रोच करते हैं और अपनी स्टोरी के साथ ही बाबू भैया के कैरेक्टर ग्रोथ से उन्हें कैसे इंप्रेस कर पाते हैं या नहीं, ये जल्द पता चल जाएगा। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।